Hello students, welcome to Easy Biology Tutorials, and now we are going to start with the hatch and slack pathway. So students, dekhiye, it is present in the plants adapted to the dry tropical regions. They also use the C3 pathway as the main biosynthetic pathway, but tropical plants, tropical region वाले plants के अंदर ही क्यों? Tropical regions वाले plants के अंदर क्या खास होता है? These plants have a different kind of anatomy, and that kind of anatomy is known as the Crohn's anatomy. The large cells around the vascular bundles of the C4 plants are called the bundle sheath cells. Such anatomy is called the Crohn's anatomy. Vascular bundle के पास इनके लार्ज सेल्स होते हैं जिसको क्या बोलते हैं बंडल शीट सेल्स बोलते हैं तो बंडल शीट सेल्स में फॉर्म सेवरल लेयर्स अराउंड द वैस्कुलर बंडल्स एंड दे हैव लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट थिक वॉल्स इंप्रिवियस टू गैस एक्सचेंज एंड नो इंटरसेलुलर स्पेसेस दे बेसिकली हैव नो इंटरसेलुलर स्पेसेस एंड इनकी जो एनाटॉमी होती है ना ये सिंपल लीव से काफी ज्यादा डिफरेंट होती है इसीलिए इनको क्रॉन्स एनाटॉमी बोला जाता है एंड इसमें एक डिफरेंट पाथवे दैट इज द C4 पाथवे C4 biosynthetic pathway आता है। तो hatch and slack pathway के क्या steps हैं? The primary CO2 acceptor is PEP, phosphoenolpyruvate. In the case of C3 cycle ये क्या था? RUBP था। It is a 3-carbon molecule seen in the mesophyll cells. RUBP क्या था students? ये 5-carbon molecule था and PEP क्या है? 3-carbon molecule है। The enzyme for this fixation is called PEP carboxylase. So PEP carboxylase is the enzyme that is used to fix the PEP. Yes. एंड उस केस में क्या था ये रुबिस्को था पर इनके जो मेसोफिल सेल्स के अंदर स्टूडेंट्स रुबिस्को एंजाइम नहीं होता है पीईपी एंजाइम होता है द C4 एसिड ऑक्सैलोएसिटिक इज फॉर्मड इन द मेसोफिल सेल्स के अंदर जो फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड है दैट इज द ऑक्सैलोएसिटिक एसिड इट देन फॉर्म्स अदर 4 कार्बन एसिड्स लाइक मैलिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड दे आर ट्रांसपोर्टेड टू द बंडल शीथ सेल्स तो हमें पता है यहाँ पे दो टाइप्स के सेल्स हो गए मेसोफिल सेल्स एंड द बंडल शीट सेल्स एंड दे देयर आर द मेसोफिल सेल्स जो रुबिस्को को लैक करते हैं जिसकी वजह से यहाँ पे C4 साइकिल होता है इन द बंडल शीट सेल्स C4 एसिड्स आर ब्रोकन डाउन टू रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड एंड C3 मॉलिक्यूल द C3 मॉलिक्यूल इज ट्रांसपोर्टेड बैक टू मेसोफिल Where it is converted. तो ये साइकिल है तो ऑफकोर्स C3 मॉलिक्यूल जहां से आया था वहीं पे बन जाएगा एंड ये पीईपी में दोबारा से कन्वर्ट हो जाता है द रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड एंटर्स द C3 पाथवे एंड द बंडल शीट सेल्स आर रिच इन रुबिस्को बट लैक पेप्टेज अब हमने क्या किया था मेसोफिल सेल्स के अंदर पीईपी केस होता है बंडल शीट सेल्स के अंदर रुबिस्को होता है थस द C3 पाथवे इज कॉमन टू बोथ द C3 एंड द C4 प्लांट्स C3 प्लांट्स के अंदर तो C3 साइकिल होगा ही होगा C4 प्लांट्स के अंदर भी C3 साइकिल होता है क्योंकि वहां पे उनके पास भी क्या होता है रुबिस्को होता है एंड रुबिस्को इज द मोस्ट अबंडेंट एंजाइम फाउंड ऑन द अर्थ तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप डायग्राम के अंदर देख सकते हो देयर इज अ मेसोफिल सेल लैक्स द रुबिस्को यहाँ पे क्या होती है फिक्सेशन होती है कार्बन डाइऑक्साइड इज कन्वर्टेड इनटू ऑक्सैलोएसिटिक एसिड एंड देन इट इज ट्रांसपोर्टेड इनटू द बंडल शीट सेल के अंदर क्या हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड की डीकार्बोक्सिलेशन हो जाती है C3 एसिड दोबारा से बन जाता है C3 एसिड ये क्या करते हैं दोबारा से मेसोफिल सेल के अंदर चला जाता है एंड इन दिस वे The cycle is repeated again and again.
So what is the special in the C4 plants? C4 plants are special because they have a special leaf type anatomy that is known as the Crans anatomy. Ye tropical plants hote basically high temperature pe rehne wale, so they can tolerate the high temperatures. They show a response to high light intensities. Ye zyada light ke andar response show karte hain. They lack the photorespiration. Photorespiration is a wasteful process. Uske bare mein hum aage padhne wale hain. And they have a greater productivity of biomass. क्यों? क्योंकि ये C3 के through भी biomass produce करते हैं, C4 के through भी biomass produce करते हैं. दो types के cells होते हैं, mesophyll cells and bundle sheath cells. Mesophyll cells के अंदर C4 cycle, bundle sheath cells के अंदर C3 cycle होता है. इनके पास fixation के लिए भी दो types के enzyme होते हैं, Rubisco as well as the peptase. तो photorespiration के बारे में देखते हैं. In the Kelvin pathway, RuBP combines with the carbon dioxide. RuBP carbon dioxide के साथ भी combine करने की affinity रखता है. जैसे हमारा hemoglobin है, hemoglobin के अंदर oxygen भी combine होती है, carbon dioxide भी combine होती है. वैसे ही Rubisco के अंदर भी जो है carbon dioxide से combine करने की capability ज़्यादा होती है in case to oxygen. लेकिन ये सब चीजें कैसे depend करती हैं? ये सब चीजें depend करती हैं on the concentration of the substance. Active site of Rubisco can bind to carbon dioxide and oxygen, hence the name. Rubisco ka naam kya hai? Carboxylation oxidation. So, ye carbon dioxide ke saath bhi bind kar sakti hai, oxygen ke saath bhi bind kar sakti hai, isliye isko Rubisco bola jata hai. Rubisco has a greater affinity for CO2 than for O2. The binding is competitive relative concentration of O2 and CO2. Determines the bounding. Yes. Which one will bind to the enzyme? So, अगर oxygen की ज़्यादा concentration होगी, oxygen bind करेगी. Carbon dioxide की concentration ज़्यादा होगी, तो carbon dioxide bind करेगी. In the C3 plants, some oxygen bind with Rubisco, hence the CO2 fixation is decreased. Of course, carbon dioxide को bind करना चाहिए. अगर oxygen bind कर जाएगी, तो फिर carbon dioxide की fixation कम हो जाएगी, yield कम हो जाएगी. So, here RuBP bind with oxygen to form one molecule of phosphoglycerate and phosphoglycolate. Phosphoglycerate and glycolate का कोई फायदा नहीं है. ये सिर्फ एक wasteful process है. जो क्या कर देता है, फोटोसिंथेसिस के अमाउंट को कम कर देता है. एंड इट इज नोन एज अ फोटो रेस्पिरेशन, क्योंकि रेस्पिरेशन हो रही है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम Rubisco. इन दिस पाथवे देयर इज नो सिंथेसिस ऑफ शुगर्स एटीपी एंड एनएडीपीएच एंड इट इज अ वेस्टफुल प्रोसेस. एंड ये क्या है, फोटोसिंथेसिस के यील्ड को भी क्या कर रहा है, स्टूडेंट्स कम कर रहा है. इन द C4 प्लांट्स photorespiration does not occur because they can increase CO2 concentration at the enzyme site. So C4 plants ke andar photorespiration nahi ho rahi hai, to ye waste of energy jo hai wo nahi ho raha. This takes place when C4 acid from the mesophyll is broken down in the bundle cells to release CO2. Students, photorespiration kab hogi? Jab oxygen ka amount zyada hoga. Par C4 plants ke andar oxygen ka amount zyada hota hi nahi hai hamesha. Kyun? Kyunki carbon dioxide ka amount wo khud regulate karke zyada kar dete hain. Kaise? C4 acid जो उसके अंदर जो फॉर्म हुआ है उसको ब्रेक करके, उसको तोड़ के. This minimizes the oxygenase activity of Rubisco and hence photorespiration does not occur in the C4 plants. Due to lack of photorespiration, productivity and yields are better in the C4 plants. In addition, these plants show higher tolerance to the temperature. क्योंकि ये ट्रॉपिकल प्लांट्स ही बोले जाते हैं, इनको हम ट्रॉपिकल प्लांट्स ही बोलते हैं, तो इनके इनमें ऑफकोर्स जो टेम्परेचर के थ्रू टॉलरेंस है वो काफी ज्यादा है. हाँ जी, तो अब हम डिफरेंस देख सकते हैं इन दोनों के बीच में. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द C4 एंड द C3 प्लांट्स? फोटोसिंथेसिस अकर इन द मेसोफिल सेल्स, इन द मेसोफिल एज वेल एज द बंडल शीट सेल्स. क्रैन्स एनाटॉमी इज एब्सेंट, बट इन द C4 प्लांट्स क्रैन्स एनाटॉमी इज प्रेजेंट. RuBP इज द मेन एक्सेप्टर, इन दिस PEP इज द मेन एक्सेप्टर. PEP प्रेजेंट कहाँ पे होता है? मेसोफिल सेल्स के अंदर.
बंडल शीट सेल्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? आरयूबीपी. 3PGA इज द फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड. ऑक्सैलोएसिटिक एसिड इज द फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड. क्लोरोप्लास्ट एक टाइप के होते हैं. क्लोरोप्लास्ट के डायमॉर्फिक होते हैं ग्रैना एंड ए ग्रैना. बंडल शीट सेल्स के अंदर ए ग्रैनुलर क्लोरोप्लास्ट होती है. फोटोरेस्पिरेटरी लॉस इज हाई. फोटोरेस्पिरेटरी लॉस इज लो. हाई कॉन्सेंट्रेशन कंपनसेशन पॉइंट. लो कॉन्सेंट्रेशन कंपनसेशन पॉइंट मतलब कंपनसेशन पॉइंट क्या होता है? जब रेस्पिरेटरी एंड फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट इक्वल हो जाता है, रेट इक्वल हो जाता है, ये जो है सी3 प्लांट्स के अंदर लेट आता है. यस. ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर फोटोसिंथेसिस इज अबाउट 25 डिग्री सेल्सियस एंड फॉर दिस इट इज 35-45 डिग्री सेल्सियस. फोटोसिंथेटिकली लेस एफिशिएंट एंड प्रोडक्टिविटी लो. फोटोसिंथेटिकली मोर एफिशिएंट एंड प्रोडक्टिविटी इज हाई. Now factors affecting the photosynthesis. Photosynthesis is a process in which light is used to synthesize the food. So of course, जो भी इसके अंदर जो factors होंगे, they are the internal as well as the external factors. Internal factors के अंदर number, size, age and orientation of leaves is the main factor. Mesophyll cells as well as the chloroplasts. Internal CO2 concentration. Internal CO2 concentration ज़्यादा होगी तो फोटोसिंथेसिस क्या होगी? ज्यादा होगी. अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल ज्यादा होगा, फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगी. एक्सटर्नल फैक्टर्स, ऑल द फैक्टर्स आर एक्साइटेटरी फॉर द फोटोसिंथेसिस. सनलाइट है, टेम्परेचर है, CO2 कॉन्सेंट्रेशन है, वाटर है, ये सारे क्या करते हैं? ये सारे ही फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को इंक्रीज करते हैं, इनहेंस करते हैं, फास्ट इनअप करते हैं. प्लांट फैक्टर्स आर डिपेंडेंट ऑन द जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन एंड द ग्रोथ ऑफ द प्लांट. प्लांट के जो फैक्टर्स है स्टूडेंट्स, दे आर डिपेंडेंट ऑन द जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन. कि कोई प्लांट होता है जेनेटिकली ज्यादा फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है, कोई प्लांट जेनेटिकली ही फोटोसिंथेसिस को कम परफॉर्म करता है. हाँ जी, so Blackman laws of limiting factors. If a biochemical process is affected by more than one factor, its rate is determined by the factor nearest to its minimal value. It is a factor which directly affects the process if the quantity is changed. Student, iska kya matlab hai? Suppose karo sunlight hai. Sunlight is the one factor. Sunlight is not all the factors. Baki jo photosynthesis is a product of the cumulative factors. Ki अगर सनलाइट का अमाउंट इंक्रीज होगा तो फोटोसिंथेसिस इंक्रीज होगी, लेकिन अप टू वन पॉइंट. एक पॉइंट तक फोटोसिंथेसिस इंक्रीज होगी, उसके बाद फोटोसिंथेसिस क्या हो जाएगी? डिक्रीज होना शुरू हो, स्टेबल होना शुरू हो जाएगी. डिक्रीज तो नहीं होगी, क्योंकि देखो जैसे हमें खाना बनाना है, खाना बनाने के लिए हमें फ्लोर चाहिए, आटा, वेजिटेबल्स, घी, मसाले, सब कुछ चाहिए. अगर मैं बोलूं मेरे पास मसाले हैं, दे आर अनलिमिटेड, मसालों के अनलिमिटेड होने से क्या हो जाएगा? जब मेरे पास आटा उतना है, घी उतना है, बाकी चीजें उतनी है, तो मसाले के अनलिमिटेड होने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. दिस इज अ ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर. कि अगर एक फैक्टर हमें अनलिमिटेड मिल रहा है, तो भी जो है बाकी फैक्टर्स लिमिटिंग हो जाते हैं, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस का रेट कम हो जाता है. अब देखो, मुझे खाना बनाना है, सब्जी और रोटी दोनों बनानी है. अगर मेरे पास आटा ही नहीं है, तो फिर अकेली सब्जी का क्या होगा? खाना बन ही नहीं पाएगा. ठीक है स्टूडेंट्स, दिस इज अ थिंग दैट ब्लैकमैन का ये लॉ है जो ब्लैकमैन बताना चाहता है. फॉर एग्जाम्पल, अ प्लांट विद ग्रीन लीफ, ऑप्टिमल लाइट एंड CO2 मे नॉट फोटोसिंथेसाइज इन वेरी लो टेम्परेचर. इफ ऑप्टिमल टेम्परेचर इज गिवन, इट विल स्टार्ट फोटोसिंथेसिस. अब देखो, ये एग्जाम्पल इसने प्लांट की दी है कि प्लांट बहुत हेल्दी है, सब कुछ है उसके पास, पानी है, लाइट है, सब कुछ है, लेकिन टेम्परेचर प्रॉपर नहीं है. टेम्परेचर प्रॉपर नहीं है तो वो फोटोसिंथेसिस कर पाएगा? नहीं. पर जब उसके पास टेम्परेचर प्रॉपर आएगा, तो वो फोटोसिंथेसिस क्या कर देगा? करना शुरू कर देगा. नेक्स्ट इज
Next factor, the first factor that we are going to read about is light. Light quality, light intensity, and duration of exposure to light influence photosynthesis. There is a linear relationship between incident light and carbon dioxide fixation rate. जितनी ज्यादा लाइट होगी उतनी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन होगी. हायर लाइट इंटेंसिटी स्पेक रेट डज नॉट फर्दर इंक्रीज क्योंकि बाकी फैक्टर्स जो हो जाते हैं स्टूडेंट्स डिक्रीज हो जाते हैं. बाकी फैक्टर्स जो हो जाते हैं लिमिटिंग हो जाते हैं. Light saturation occurs at 10% of the full sunlight. Hence, except for plants in shade or in dense forest, light is rarely a limiting factor in nature. ठीक है, अब light की saturation है. Light तो हमें 10% ही चाहिए. Light की कमी से कभी भी photosynthesis effect नहीं करती. हमेशा बाकी factors ही हैं जो photosynthesis के process को effect करते हैं. High in increase in incident light breaks down the chlorophyll and it decreases the photosynthesis. अगर light ज्यादा हो जाएगी, काफी ज्यादा हो जाएगी, उससे क्या हो जाएगा? Chlorophyll जो है वो टूटना शुरू हो जाएगा, जिससे photosynthesis का rate भी क्या होगा? कम होना शुरू हो जाएगा. Next is carbon dioxide concentration. Carbon dioxide concentration एक ऐसा factor है जो सबसे ज्यादा कम limiting factor है, जिसकी कमी हमेशा हर प्लांट के अंदर, ऑलमोस्ट हर प्लांट के अंदर हो जाती है. क्योंकि कैसे, लेट अस सी. मेजर लिमिटिंग फैक्टर फॉर फोटोसिंथेसिस की, फोटोसिंथेसिस के लिए सबसे ज्यादा कमी प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड की ही फील होती है. इंक्रीज अप टू 0.5% कॉज इन इंक्रीज इन फिक्सेशन रेट. अगर कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट थोड़ा सा भी इंक्रीज कर दे तो बहुत ज्यादा फिक्सेशन का अमाउंट इंक्रीज हो जाता है. लेकिन अगर इसे कम हो जाए स्टूडेंट्स, एनवायरनमेंट में 0.05% से कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट कम हो जाए तो ये क्या हो सकता है? डैमेजिंग हो सकता है. कम या ज्यादा हो जाए, बोथ, इट कैन बी डैमेजिंग टू अस. ऑफ कोर्स लाइट है ज्यादा हो जाएगी क्लोरोफिल तोड़ लेगी, कार्बन डाइऑक्साइड है ज्यादा हो जाएगा तो क्या कर देगा? वो भी नुकसान कर देगा. एट लो लाइट कंडीशंस C3 एंड C4 प्लांट्स डू नॉट रिस्पॉन्ड टू हाई CO2 कंडीशंस. एट हाई लाइट इंटेंसिटी दे शो इंक्रीज रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस. नेक्स्ट इज C4 प्लांट्स शो सैचुरेशन एट अबाउट 360 ml. C3 plants respond to increased CO2 concentration and saturation is seen only beyond 450. मतलब C4 plant पहले ही saturate हो जाते हैं, C3 plants जो है वो late saturate होते हैं. Due to response to higher CO2 conditions, C3 plants show increased photosynthesis and higher productivity. This fact is used for some greenhouse crops. ग्रीन हाउस क्रॉप कैसे ग्रो करवाए जाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रैप करवा के फिर ग्रो करवाए जाते हैं, जिससे जो यील्ड है वो इंक्रीज हो जाए. क्योंकि C3 है जो वो हाई कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन पे ज्यादा यील्ड प्रोवाइड करता है. नेक्स्ट फैक्टर इज टेम्परेचर. डार्क रिएक्शन बींग एंजाइमेटिक आर टेम्परेचर कंट्रोल्ड. इन्फ्लुएंस ऑफ टेम्परेचर ऑन लाइट रिएक्शन इज वेरी लेस. The C4 plant respond to higher temperatures and show higher rate of photosynthesis. C3 plants have a much lower temperature optimum. The temperature optimum of plants also depend on their habitat, and the tropical plants have a higher temperature habitat. Next is the water. Water is of course a very important process. Water के बिना क्या हो जाता है? Stress हो जाता है and stomata off हो जाते हैं. स्टोमेटा ऑफ हो जाएंगे स्टूडेंट्स तो एक्सचेंज नहीं हो पाएगा.
वाटर स्ट्रेस होने के साथ विल्टिंग हो जाती है लीव्स की एंड ऑफ कोर्स CO2 अवेलेबिलिटी भी कम हो जाती है. स्टूडेंट्स देखो, द मेन थिंग इज हमने पढ़ा CO2 इज द मोस्ट लिमिटिंग फैक्टर. पानी कम हो जाएगा, स्टोमेटा बंद हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज नहीं हो पाएगी, तो क्या आ जाएगा, CO2 की कमी हो जाएगी. बट ये हो किसकी वजह से रही है, ये कार्बन डाइऑक्साइड की कमी की वजह से नहीं रही है, ये वाटर की कमी की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की कमी हो रही है जो अल्टीमेटली इफेक्ट कर रहा है. ओके स्टूडेंट्स, दैट वाज ऑल अबाउट द फोटोसिंथेसिस चैप्टर. इन द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द रेस्पिरेशन सिस्टम. थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ नाइस डे.